तो केजरीवाल और कांग्रेस पर बीजेपी का बड़ा हमला, बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने केजरीवाल पर निशाना साधा, आम आदमी पार्टी कांग्रेस चोर चोर मौसेरे भाई। अनुराग ठाकुर की ओर से कहा गया एनडी गठबंधन नहीं है, ठगबंधन है। सब कोई यही कह रहे हैं कि शराब घोटाला हुआ है, शराब आम आदमी पार्टी को लेकर डूबी है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। अनुराग ठाकुर ने निशाना साधा कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर, कहा कि चोर 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 मौसेरे भाई हैं। वो अपने आप चोर चोर मौसेरे भाई, सबने एक दूसरे की पीठ खुजलाई। आई स्क्रैच योर बैक, यू स्क्रैच माइन, यही चल रहा है। बाकी कौन है? इनमें से अधिकतर लोग तो बेल पर बाहर हैं, चाहे लालू प्रसाद यादव जी हैं, सोनिया गांधी जी हैं, राहुल गांधी जी हैं, इनके अधिकतर नेता बेल पर बाहर हैं, जो भ्रष्टाचार के मामलों में बेल पर बाहर हैं। और मुझे एक व्यक्ति बताइए जिसने कहा हो कि अरविंद केजरीवाल निर्दोष है और किसी ने कहा हो कि शराब घोटाला नहीं हुआ। किसने कहा? अरे यही लोग जो इनके साथ आज चले, कल तक यही कहते थे कि शराब घोटाले पे कार्रवाई हो, 100 करोड़ पे अरविंद केजरीवाल इनकी पार्टी खा गई। आज कौन सी मजबूरी है जी, आप सब इकट्ठे चल रहे हैं और ये सब शराब घोटाले के लिए, जो कल तक क्लीन चिट बाकियों को देते थे, ईमानदारी की चिट देते थे, आज वो स्वयं, मैं तब भी कहता था, इसी मन से मैंने कहा था कि अभी तो मनीष सिसोदिया गए हैं, किंग पिन बाहर है, और मैंने कहा था किंग पिन का नंबर भी आएगा, और कल किंगपिन का नंबर आया। लेकिन इससे बड़ा दुर्भाग्य देखिए, जो कल तक नैतिकता की बात करते थे, आज वो कहते हैं कि मैं जेल से सरकार चलाऊंगा। अरे चारा खाने वालों ने भी पहले इस्तीफा दे दिया था, शराब वालों ने अभी तक भी इस्तीफा देने से मुक्त।